Okay students, so let's start our new chapter that is called periodic classification of elements. Okay students, तो मैं आपको बता दूं ये बड़ा important chapter है. In fact मैं हर chapter के पहले ऐसा ही बोलता हूं, आप सोच रहे होंगे, but ये वाकई में काफी interesting और important chapter है. देखो इस chapter में हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं periodic table, जिसको बोलते हैं periodic table. क्या होता है ये periodic table? देखें ये एक टेबल टाइप की चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी, दिस इज एक्चुअली पीरियोडिक टेबल. तो आप समझ सकते हैं पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट होता होगा कि एक आदमी ने अपने बेडशीट पे पीरियोडिक टेबल बना रखा है. ओके, ये देखो एक कप है उस पर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है. किसी आदमी ने अपने कार पे पीरियोडिक टेबल पेंट करा रखा है, किसी ने शर्ट पहन रखी है पीरियोडिक टेबल की. तो आप समझ सकते हैं ये पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट चीज होता होगा. बताऊं कि केमिस्ट्री के लिए तो पीरियोडिक टेबल बाइबल है, बाइबल, गीता है गीता, कुरान है कुरान, समझ रहे हो. केमिस्ट्री में शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ होती है तो शायद वो पीरियोडिक टेबल होती होगी, और ये बहुत मदद करती है हमारी केमिस्ट्री पढ़ने में. जैसे देखो आप क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कितने 115 एलिमेंट्स. जैसे कुछ मैंने यहां पे बनाए हैं एल्युमिनियम, बेरियम, बोरियम, सॉरी ब्रोमीन, सोडियम, सल्फर, गैलियम. तो ऐसे 115 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, और इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आपस में अलग अलग होती है. जैसे आप देखो सब अलग अलग से दिख रहे हैं आपको, सबकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है. तो आप सोच के देखो जरा, अगर आपको 115 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है तो कितना डिफिकल्ट और वास्ट काम होगा ये. पहले आप एक एलिमेंट के बारे में पढ़ोगे, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे करते करते इतने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जान निकल जाएगी आपकी. तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री. आप सोचेंगे अभी भी तो बहुत डिफिकल्टी होता है, बट एनीवेज अगर 150 एलिमेंट्स को हम अलग अलग पढ़ें तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए क्या किया जाता है कि उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, फिर उन ग्रुप्स को स्टडी करते हैं जिससे आसान हो जाता है. कैसे, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. एक्चुअली जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये ग्रॉसरी शॉप है, ग्रॉसरी शॉप में बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है. लेकिन आप देखो ग्रॉसरी शॉप को बहुत कायदे से अरेंज किया जाता है. जैसे आप देखो यहां पे एक टाइप की जितनी बॉटल्स हैं वो एक साथ रखी हुई है, यहां पे देखो जितने फ्रूट जूसेस हैं उनको एक साथ रखा गया है, यहां पे चॉकलेट वाली आइटम्स एक साथ रखी गई है, यहां पे कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ रखी गई है. तो क्या होता है ग्रॉसरी शॉप में सब एक जैसी चीजें एक साथ रखी गई होती है, क्यों? अरे सोच के देखो ना, सब मिक्स्ड है, मान लो सब मिक्स्ड है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है. आप दुकान पे गए, आपने बोला कि यार एक कोका कोला का कैन दे दो. अब क्योंकि सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, तो दो तीन दिन तो उस दुकानदार को कोका कोला खोजने में निकल जाएंगे, समझ रहे हो अपनी बात. इसलिए सब कुछ बिल्कुल सजा के अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है, ताकि आप जब भी बोलो कि यार कोका कोला की एक बोतल या कैन चाहिए, वो आराम से यहां से निकाल के आपको दी जा सके, समझ रहे हो. तो वैसा ही कुछ हम ये करते हैं 115 एलिमेंट्स के साथ. ये जो एलिमेंट्स हमारे पास, इनको भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इनको भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं. जैसे सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग जरूर होती हैं, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती जुलती होती, मिलती जुलती. तो जो एलिमेंट्स मिलते जुलते होते हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, फिर जो एलिमेंट्स आपस में मिलते जुलते होते हैं उनको एक अलग ग्रुप बना लेते हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है. फिर हम एक एक करके एक एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, जो कि आसान होता है. तो ये सब काम कैसे किया जाता है, यही इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो कम ऑन स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, डिफरेंट अटेम्प्ट्स टू ग्रुप एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 115 एलिमेंट्स हैं जिनको हम ग्रुप करना चाहते हैं ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके. बट क्या लगता है आपको, बहुत आसान काम है ये? बिल्कुल नहीं. पहले तो कौन कौन से ग्रुप बनाने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं, किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट जाना चाहिए, बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें हैं सोचने के लिए. तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोशिश की वो ग्रुप्स बनाने की. कुछ उसमें से सक्सेसफुल हुए, कुछ नहीं. तो उसमें से कुछ मेजर अटेम्प्ट्स जो खास करके अच्छे अटेम्प्ट्स थे डिफरेंट साइंटिस्ट के, वो हम यहां पर देखेंगे. तो जो सबसे पहला सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट था वो था ये डोबेनियस ट्राइड्स. हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो यहां पे, बट प्लीज मुझे माफ करें. तो ये जो ग्रुपिंग थी, ये जो क्लासिफिकेशन था,
वो इन साइंटिस्ट जी ने दिया था, डोबेरेनियर इन साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने ये ग्रुप 1829 में बनाया था, उस टाइम पे लगभग 30 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था। ऐसे तो 115 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पे 1829 में इतने एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं था हमें। उस टाइम पे सिर्फ 30 प्लस एलिमेंट्स के बारे में पता था। तो आप सोच सकते हैं इनका काम थोड़ा सा आसान हो गया था, थोड़ा नहीं काफी आसान हो गया था, क्योंकि सिर्फ 30 एलिमेंट्स को ही ग्रुप में डालना था। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने तीन ट्राइड्स डिफाइन किए, जिनको सिंपल वर्ड में ग्रुप समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने तीन ग्रुप्स बनाए, टेक्निकली बोलेंगे तीन ट्राइड्स बनाए, और हर ट्राइड में उन्होंने तीन एलिमेंट्स रखे। जैसे देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से ट्राइड में। सबसे पहले इस ट्राइड की बात करें तो उसमें उन्होंने लिथियम रखा। ध्यान रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ट्राइड में कौन से एलिमेंट रखे गए थे। तो फर्स्ट ट्राइड में उन्होंने लिथियम रखा, सोडियम रखा और पोटाशियम रखा, ये तीन एलिमेंट्स रखे। फिर दूसरे ट्राइड की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने रखा कैल्शियम, देखें ऐसा दिखता है कुछ कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, ये तीनों एलिमेंट्स उन्होंने रखे। और फिर तीसरे ट्राइड में उन्होंने रखा क्लोरीन, ध्यान देंगे आप, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने तीन ट्राइड बनाए। ठीक है, और इनको ट्राइड क्यों बोला गया आप समझ ही रहो, ट्राइड इसलिए बोला गया क्योंकि ट्राइड का मतलब है थ्री, 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 ट्राइड का मतलब है थ्री, तो इसमें थ्री एलिमेंट्स रखे ना उन्होंने, इसलिए ओके, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को डोबेनियस ट्राइड भी बोल रहे हैं, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। अब देखो इस तरह से डिवाइड करने का ग्रुप में क्या मतलब था, उनका कहने का मतलब था कि ये जो तीनों हैं वो एक ट्राइड में है, एक ग्रुप में, मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं। वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं, वैसे इन तीनों की प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ ट्राइड हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यह भी याद होना चाहिए आपको कि कौन से ट्राइड में कौन सा एलिमेंट है। अब देखो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, सपोज करो इन नाइन एलिमेंट्स के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो, तो कैसे स्टडी करोगे आप, पहले आप इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, फिर इसके बारे में पढ़ोगे, इसके बारे में, इसके बारे में। तो कायदे देखा जाए तो आपको नौ के बारे में अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट काम होगा, लंबा काम होगा। लेकिन अगर आपको ये ग्रुपिज्म पता है तो आसान हो जाएगा आपका काम। कैसे आसान हो जाएगा, अगर आपने सिर्फ लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन इन तीनों के बारे में पढ़ लिया तो आपका काम मोटा मोटी हो गया है। तो अगर आपने लिथियम पढ़ लिया तो सोडियम और पोटाशियम की प्रॉपर्टीज तो उनसे मिलती जुलती हैं, तो इफेक्टिवली ये भी पढ़ लिया आपने। वैसे कैल्शियम पढ़ लिया तो इन दोनों को भी इफेक्टिवली पढ़ लिया, क्लोरीन पढ़ लिया तो इफेक्टिवली आपने ब्रोमीन और आयोडीन को भी पढ़ लिया। तो इस तरह से आपको सिर्फ तीन पे ही कंसेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इफेक्टिवली आप नौ पढ़ चुके होंगे। तो इसलिए ये जो ग्रुप करने का तरीका होता है वो बहुत यूजफुल होता है स्टूडेंट्स। ओके, चलो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों, इनको आपको पता ही होगा एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर्स में। इन तीनों का भी एक और नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एम फॉर मेटल्स, स्पेस नहीं है इसे लिख नहीं पा रहा हूं। इनको क्या बोलते हैं पता हो स्टूडेंट्स, हैलोजेंस, हैलोजेंस, हैलोजेंस। ठीक है, एनीवेज अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखें आप, जैसे ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक मास पता है आपको स्टूडेंट्स कितना होता है, याद है आपको, इसका एटॉमिक मास होता है 35.5, ऐसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 35.5। ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, आयोडीन का होता है 127। ठीक, वैसे बाकी का भी लिख लेते हैं, कैल्शियम का होता है 40, फिर यहां पे 80, फिर बेरियम का होता है 137, लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 39। ओके, तो एक चीज तो स्ट्रेट अवे आपने नोटिस कर ली होगी, क्या, कि एक ट्राइड में मैंने एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए हैं। सबसे पहले लिस्ट एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास, फिर हाईएस्ट एटॉमिक मास, है ना। वैसे सबसे पहले मैंने लिखा लिस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट और फिर लास्ट में लिखा हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला, हाईएस्ट एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही है,
इसमें भी लिस्ट 35.5, फिर 80 उससे बड़ा और 127 उससे भी बड़ा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक खास बात है नोट करने वाली कि इन दोनों की अगर हम बात करें, इनके एटॉमिक मास की बात करें और उसका अरिथमेटिक मीन लें, अरिथमेटिक मीन समझते हैं आप, अरिथमेटिक मीन मतलब होता है बेसिकली एवरेज लेना, एवरेज लेना। देखो अभी आप समझ जाएंगे, तो 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, जब देखें 162.5 डिवाइड बाय 2 इतना आ रहा है, दैट इज 81.25। कुछ समझ में आया आपको, क्या खास बात है? खास बात तो है वो ये है कि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का जब हमने एवरेज लिया, अरिथमेटिक मीन लिया, तो वो लगभग लगभग ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर है, लगभग लगभग, सही है। बाकी दोनों ट्रायड में भी स्टूडेंट्स ये एप्लीकेबल होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे इसका भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन लेते हैं अपन, अरिथमेटिक मीन देखें कितना आएगा, 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2 दैट इज 23, सही है, कमाल हो गया। अब देखो सोडियम का भी एग्जैक्टली वही एटॉमिक मास है, वही एटॉमिक मास है, ठीक है। इसमें भी आप करके खुद से देखेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो ये लिख लिया हमने, इन अ ट्रायड एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए क्या क्लासिफिकेशन था ये, कैसे इसमें ग्रुपिंग की गई थी, लेकिन ये चला नहीं, ये फेल हो गया। क्या प्रॉब्लम रही होगी इस क्लासिफिकेशन के साथ कि ये फेल हो गया, सोचें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शायद आप सोच पा रहे हो कि इसमें तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है, सिर्फ उन्हीं को ग्रुप किया गया है, बाकी एलिमेंट्स का क्या, बाबा जी का टुल्लू, यहां पे तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बताया गया, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे यहां पे लिमिटेशंस, क्या लिमिटेशंस है इस क्लासिफिकेशन की, तो लिख सकते हैं ओनली 9 एलिमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड, हैव बीन क्लासिफाइड, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वेल लेफ्ट, बाकी एलिमेंट्स को छोड़ दिया गया था, उनके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये तो आधा अधूरा काम हो गया ना।